Hello friends, good morning and welcome back to our channel Kalam ko Salaam. Dosto, aaj main aap sabhi ke samne lekar aaya hu class 12 ke liye short stories mein an astrologer day. Ye aapki story number 2 hogi. Aaj hum is par thodi baat cheet karenge, thoda discuss karenge iske hum long answer ko aur jo important short answer type questions hai unke bare mein discuss karenge. To video start karne se pehle मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन सभी स्टूडेंट से जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आप सभी को पता चल सके. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर डे. एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष. ज्योतिष आप लोगों को पता है क्या होता है. तो यहां पर जो अर्थ निकलता है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन, एक ज्योतिषी के बारे में बताया गया है. इसको जो लिखने वाले हैं, लेखक है इस कहानी को, उनका नाम है आर के नारायण. अब देखिए थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में सुन लीजिए. देखिए ज्यादा कुछ नहीं है इस कहानी में, केवल इतना आपको बताया गया कि कैसे इंसान को जो उसकी परिस्थितियां होती है, जो उसकी कंडीशन होती है लाइफ की, जो कुछ कष्ट होते हैं, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, वो चला जाता है, कैसे वह एक ऐसा रोजगार ऐसा काम करने लगता है जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी जानकारी ना हो. अब देखिए कहानी कुछ इस तरह है कि जो एक व्यक्ति है वो पेशे से, यानी कि स्टार्टिंग से, आप शुरुआत से उसको ज्योतिष नहीं कह सकते, वो ज्योतिष बन गया, परिस्थितियों ने उसको ज्योतिष बना दिया, ज्योतिष जैसी वेशभूषा पहनने लगा और धीरे धीरे इस काम में इतना अनुभव हो गया लोगों की समस्याओं को देखकर, उनके कष्टों को देखकर, कि हाँ सभी लोग उसको ज्योतिष समझने लगे. देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, कभी क्या हुआ था, जिस गांव में वो रहता था उसमें एक बार उसने शराब पीकर, जुआ खेलकर एक दूसरे व्यक्ति को के साथ हाथापाई कर दी, उसके साथ लड़ लिया, झगड़ लिया और उसको घायल कर दिया था और उसको कुएं में डाल दिया था. तो उसको ये लगता था कि वो कुएं में, जो व्यक्ति जो कुएं में गिर गया है वो मर गया. तो इस डर से उसने अपने गांव को छोड़ दिया था. गांव छोड़ने के बाद उसके मन में हमेशा ये घबराहट रहती थी, ये डर रहता था कि कहीं एक ना एक दिन ये व्यक्ति, इसका जानने वाला या कोई भी रिलेटिव्स रिश्तेदार मुझे ढूंढ लेगा. तो इसलिए उसने अपने अपने पूरे वेशभूषा को, अपना पूरा पहनावा बदल लिया और उसने ज्योतिषी का काम अपना लिया. राइट, फिर क्या होता है, अब वो धीरे धीरे, स्टार्टिंग में उसने थोड़ा सा काम, थोड़ा सा जाना एक ज्योतिषी के बारे में. लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी ज्योतिषी की, ज्योतिष शास्त्र के विषय में उसको बिल्कुल भी नॉलेज, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी. केवल उसने लोगों को, जब लोग उसके पास आने लगे, पहले लोगों से सुनता था, उनकी समस्याओं को सुना करता था कि आपको क्या समस्या है, फिर धीरे धीरे अपना एक आइडिया, एक अपना अनुमान लगाया करता था और वो दोनों मैच हो जाया करते थे. तो लोग उस पर विश्वास करने लगे कि यह एक अच्छा ज्योतिष है. तो धीरे धीरे उसे अपने काम में महारत हासिल हो गई. पर एक दिन क्या होता है कि जो ज्योतिष है अपना सारा सामान कंप्लीट करके, सारा सामान लपेट कर, वो अपने जो जिस जहाँ पर वो बैठा करता था, जिस जगह पर वो बैठा करता था, रात के समय वो घर जाने के लिए तैयार हो गया. तभी उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हो जाती है जिसको कभी उसने मारने का प्रयास किया था, या फिर आप ये कह सकते हो जिसको उसने मारा था. तब उसको पता लगता है कि ये व्यक्ति तो जिंदा है. और एक बात और बताना चाहूँगा, उस व्यक्ति का नाम गुरु नायक होता है. तो उसको, जब वो उसको देखता है तो ज्योतिष बहुत घबरा जाता है. लेकिन जो गुरु नायक होता है, गुरु नायक उसको पहचान नहीं पाता कि यही वह व्यक्ति है जिसने मुझे मारने का प्रयत्न किया था. तो इस तरह कहीं ना कहीं उसको जो ज्योतिषी होता है उसको, उसे देखकर बहुत खुशी होती है कि कम से कम ये व्यक्ति जिंदा तो है. लेकिन अंत में क्या होता है, उसने उससे भी बहुत सारे पैसे कमा लेता है, उसके बारे में सब कुछ सच बता देता है. अब सच क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है. तो कहीं ना कहीं वो इससे बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं. देखिए मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई है, पर अभी जब मैं आपको शॉर्ट आंसर कराऊंगा तो इसके साथ साथ भी आपको हिंदी बताऊंगा कि कैसे ये कहानी होती है, क्या कुछ हो रहा है. ओके, चलिए पहले सवाल पर आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. देखिए पहला जो सवाल है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. वन इवनिंग, उस एक शाम, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू होम,
जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था, क्या उस एक शाम क्या हुआ जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था? आंसर देखिए, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू होम, जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था, ही इनवाइटेड अ मैन, उसने एक आदमी को आमंत्रित किया एज ए कस्टमर, एक ग्राहक के रूप में। हु वॉज गुरु नायक, जो गुरु नायक था, हुम ही हैड ट्राइड टू किल हिम, जिसको उसने मारने का प्रयत्न किया था, राइट? यानी कि क्या हुआ, तो शाम जब ज्योतिषी शाम को घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसके सामने एक व्यक्ति आया, उसको उसने ग्राहक के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन पता क्या चला, ये तो गुरु नायक है जिसको उसने मारने का प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, व्हाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, लेफ्ट का मतलब छोड़ना, ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ दिया? देखिए यहाँ पर बहुत आसान सवाल पूछा गया कि ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने एक आदमी को मारने का प्रयत्न किया था, उसको कुएं में डाल दिया था, और अपने आप को बचाने के लिए कि कोई बदला ना ले ले उससे, इसलिए उसने अपने गांव को छोड़ दिया था। ही हैड किल्ड एंड थ्रू गुरु नायक इन अ वेल, उसने गुरु नायक को मारने का और कुएं में डाल दिया था, मारने का प्रयास मारा था और उसको कुएं में डाल दिया था, वेल का मतलब कुआ। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला, प्रतिशोध, यानी कि अपने आप को प्रतिशोध से बचाने के लिए द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज फॉर एवर, ज्योतिषी ने हमेशा के लिए अपने गांव को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, ज्योतिषी ने क्या बताया गुरु नायक को अबाउट बारे में हिज एनिमीज डेथ, एनिमी शत्रु या दुश्मन, दुश्मन की मृत्यु के बारे में, दुश्मन की मौत के बारे में गुरु नायक को ज्योतिषी ने क्या बताया? द स्ट्रेंजर्स फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, स्ट्रेंजर यहाँ पर अजनबी गुरु नायक को कहा गया है, अजनबी का पहला सवाल वॉज था वेदर ही वुड सक्सीड इन हिज प्रेजेंट सर्च और नॉट, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट हिज एनिमी वॉज डेड 4 months एगो। देखिए द स्ट्रेंजर फर्स्ट नीड फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ये था कि चाहे ही वुड सक्सीड इन हिज प्रेजेंट सर्च और नॉट, वो ये बोलना चाह रहा है, जो अजनबी पहला सवाल करता है वो ये पूछता है कि जो आप वो खोज कर रहा है, जिस चीज की तलाश में वो आया है, उसमें वो सफल होगा कि नहीं, वेदर ही वुड सक्सीड इन हिज प्रेजेंट सर्च और नॉट, वर्तमान खोज में सफल होगा कि नहीं। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट हिज एनिमी वॉज डेड 4 months एगो, ज्योतिषी ने अजनबी को बताया कि उसका दुश्मन 4 महीने पहले मर गया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, द स्ट्रेंजर्स फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेदर ही वुड सक्सीड इन हिज प्रेजेंट सर्च और नॉट, अजनबी ने पहला सवाल किया कि जो उसकी वर्तमान खोज है उसमें वह सफल होगा कि नहीं, एंड द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट हिज एनिमी वॉज डेड 4 months एगो, ज्योतिषी ने उसको बताया कि उसका जो दुश्मन है वह 4 महीने पहले मर चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर चार को देखिए, क्वेश्चन नंबर चार है, व्हाट वाज द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड एंड हाउ डिड ही गेट रीड ऑफ इट, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो व्हाट वाज द लोड, क्या बोझ था दैट द एस्ट्रोलॉजर की जो ज्योतिषी था हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, उसके दिमाग में रखा हुआ, एंड कैसे उसने इससे छुटकारा पाया, ज्योतिषी के दिमाग में क्या, उसके मन में, विचारों में, उसके जीवन में क्या बोझ था, किस तरह का बोझ था और उसने कैसे इससे छुटकारा पाया। देखो बोझ क्या था कि उसने एक आदमी को मारा है, यही तो है ना, यही तो एक बोझ था उसके ऊपर। द एस्ट्रोलॉजर थॉट, उसने सोचा था दैट की ही हैड किल्ड अ मैन, उसने एक व्यक्ति को मारा था, बट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर सॉ द सेम मैन अलाइव, लेकिन जब ज्योतिषी ने उसी व्यक्ति को जिंदा देखा, अलाइव का मतलब जिंदा, इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर, ग्राहक के रूप में, ही गॉट रिड ऑफ दिस लॉर्ड, उसने इस लॉर्ड से, इस बोझ से अपने आप को छुटकारा पाया, उसने इस बोझ से छुटकारा पाया। ओके, क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, पांच है, व्हाट एडवाइस, क्या सलाह डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव, ज्योतिष ने दी द स्ट्रेंजर अजनबी को ज्योतिषी ने क्या सलाह दी, सलाह देखो क्या दी जाती है, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस द स्ट्रेंजर टू गो बैक टू हिज विलेज, ज्योतिषी ने उसको सलाह दी कि अपने गांव वापस लौट जाए, एज ही सॉ दैट हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, क्योंकि उसको उसकी लाइफ खतरे में दिखाई दी, ही एडिट, और उसने बताया, एडिट का मतलब मिला दिया और आगे कुछ और मिलाकर बोलना, ही एडिट दैट द स्ट्रेंजर शुड नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और उसने ये कहा कि साउथवर्ड यानी कि दक्षिण के हिस्से में दोबारा, जिस क्षेत्र में वो आया है उसमें दोबारा यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर छह, हाउ डिड एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग,
ज्योतिष ने अपनी जीविका को कैसे चलाया, कैसे जीता था, वो क्या करता था, वाई वॉज ही फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, किस चीज ने उसको बाधित किया, फोर्स किया, दबाव दिया अपनी पहचान छुपाने के लिए। हाइड का मतलब छिपाना और आइडेंटिटी का मतलब पहचान। आंसर देखिए, ही अर्नड हिज लिविंग बाय टेलिंग अ फेट ऑफ द पीपल। ही अर्नड हिज लिविंग बाय टेलिंग फेट ऑफ द पीपल। फेट बोलते भाग्य को, लोगों का भाग्य बताकर वो अपनी जीविका चलाता था, कमाता था। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, ही हैड ट्राइड टू किल अ मैन, उसने एक व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रिवेंज, ही वॉज फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, यानी कि बदले से अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी पहचान को छिपाया। ये 6 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से ये इसके जो लॉन्ग आंसर पर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, द लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे हैज बीन रिटन बाय आर के नारायण। इन दिस लेसन वी सी, हम देखते हैं हाउ सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, फोर्स्ड अ मैन टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, कैसे परिस्थितियों ने एक व्यक्ति को बाधित किया, दबाव दिया कि वह एक ज्योतिषी बन जाए। राइट, हिज ड्रेस, उसकी वेशभूषा, ही वोर, वह पहनता था सैफरन केसर कलर्ड रंगी का टर्बन, पगड़ी को बोलते हैं, दैट गेव हिम अ गुड एस्ट्रोलॉजर लुक लाइक, यानी कि केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था ताकि वह बिल्कुल एक ज्योतिषी की तरह दिखाई दे। हिज आईज वर स्पार्कलिंग यानी कि चमकदार होती है। मैनी पीपल वर अट्रैक्टेड सीइंग हिज ड्रेस, लोग उसकी वेशभूषा को देखकर अट्रैक्टेड और या फिर आकर्षित हो जाते थे। हिज नॉलेज, उसका ज्ञान, ही वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर बाय प्रोफेशन, पेशे से वो ज्योतिषी नहीं था। ही न्यू, वह जानता था ऑल अबाउट इट, इन सब के बारे में, थ्रू माध्यम द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन के अनुभव से उसने ये सब जाना। ही हैड नोन द ट्रबल्स इन लाइफ, वह जिंदगी की मुसीबतों को, परेशानियों को जान चुका था। देखो ट्रबल्स का मतलब परेशानियां। नेक्स्ट हेडिंग है डील विद लास्ट क्लाइंट। डील का मतलब क्या होता है, डील तो आपको पता है किसी से डील करना, कोई क्या बोलते उसको, आई थिंक डील का मुझे हिंदी में एक मीनिंग याद नहीं आ रहा, मोल भाव करना, तय करना, मोल कर लेना, लास्ट क्लाइंट कस्टमर को बोलते हैं, यानी कि जो आखिरी क्लाइंट था उसके साथ क्या डील फिक्स हुई, क्या व्यापार के लिए, क्या बिजनेस के लिए, क्या डील हो गया, उसके बारे में ये हेडिंग है। वन डे, एक दिन, द एस्ट्रोलॉजर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू होम, घर जाने का प्रयास कर रहा था, तैयारी कर रहा था। ही इन्वाइटेड अ मैन एज अ कस्टमर, एक व्यक्ति को उसने कस्टमर के रूप में, ग्राहक के रूप में आमंत्रित किया। द स्ट्रेंजर चैलेंज्ड हिज टैलेंट, चैलेंज का मतलब उसको चैलेंज किया, उसकी योग्यता को चैलेंज किया। एंड वॉन्ड, और उसको चेतावनी दी, दैट ही कुड नॉट सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कि तुम उसकी वह उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एस्ट्रोलॉजर गॉट रेडी फॉर डील, कुछ समय के बाद ज्योतिषी तैयार हो गया उसके साथ डील करने के लिए। बट लेकिन, व्हेन द स्ट्रेंजर लिट द सिगरेट, जब उसने सिगरेट को जलाया अजनबी ने, द एस्ट्रोलॉजर वो सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हो गया। बिकॉज ही लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपने गांव को छोड़ा था, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, इसी व्यक्ति के कारण। ही थॉट दैट, उसने सोचा, ही हैड किल्ड हिम, कि उसने तो उसको मार दिया था। बट सीइंग हिम अलाइव, लेकिन उसको जिंदा देखकर, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। एट लास्ट, अंत में, ही सेटिस्फाइड हिम एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी, अंत में उसने उसको संतुष्ट किया और बहुत सारा धन कमा लिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, डील विद लास्ट क्लाइंट के साथ क्या डील होती है। वन डे द एस्ट्रोलॉजर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू होम, एक दिन ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था। ही इन्वाइटेड अ मैन एज अ कस्टमर, उसने ग्राहक के रूप में एक व्यक्ति को आमंत्रित किया। द स्ट्रेंजर चैलेंज हिज टैलेंट, अजनबी ने उसके चैलेंज, उसकी योग्यता को चैलेंज किया। एंड वॉर्न्ड हिम, और उसको चेतावनी दी, दैट की ही कुड नॉट सॉल्व हिज प्रॉब्लम, वह इसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एस्ट्रोलॉजर गॉट रेडी फॉर डील, ज्योतिषी डील के लिए तैयार हो गया। बट व्हेन द स्ट्रेंजर लिट हिज सिगरेट, द एस्ट्रोलॉजर वॉज सरप्राइज, लेकिन जब अजनबी ने सिगरेट जलाई तो ज्योतिषी आश्चर्यचकित हो गया। बिकॉज ही लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उसने अपने गाँव को इसी व्यक्ति के कारण छोड़ा था। ही थॉट दैट, वह सोचता था कि ही हैड किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया था। बट सीइंग हिम अलाइव, लेकिन उसको जिंदा देखकर, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। एट लास्ट, अंत में, ही सेटिस्फाइड हिम, उसने उसको संतुष्ट किया। एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा धन कमाया। ओके, लास्ट एंडिंग कंक्लूजन, टू सम अप, वी कैन से हम दैट द एस्ट्रोलॉजर सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द स्ट्रेंजर। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ज्योतिषी ने अपने आप को, अपनी जिंदगी को अजनबी से बचाया। ओके गाइज, तो ये आपके लेसन कंप्लीट होता है, शॉर्ट आंसर।
और लॉन्ग आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जिस तरह का सवाल आएगा उस के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता कि कैसे आपको छांटना है, तो आप मैं आपको सलाह दूंगा, आई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट दिस ऑल आंसर होल आंसर, इस पूरे आंसर को आप लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी जो एग्जाम चल रहे हैं 12th क्लास, उसके लिए मेरी ओर से, हमारी इस पूरी टीम की ओर से, कलाम को सलाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, विश यू ऑल द वेरी वेरी लक, बाय।